में रहने वाले गरीब और मजदूर लोग हैं जो कि राम भरोसी कॉलोनी से। इन लोगों की समस्या ये है कि अंबेडकर कॉलोनी और राम भरोसी कॉलोनी के लिए 8 इंची की ट्यूबवेल हम लोगों ने वहाँ लगवाया हुआ था, जिससे इन लोगों के लिए पानी की व्यवस्था होगी। उस ट्यूबवेल को आज से 1 महीना पहले किसी कारण से उस ट्यूबवेल में कोई खराबी आ गई, जिसके लिए हमने छत्रपाल जी जेई साहब को वहाँ पर बुलवा के निरीक्षण करवाया और पाया गया कि उस ट्यूबवेल का पानी थोड़ा सा नीचे उतर चुका है। उसके लिए हमने निरीक्षण करवा के दूसरी जगह तय करवाई, एस्टीमेट बनवाया और सारे कार्य करने के लिए उन लोगों को अनुमति प्रदान की। परंतु आज उस बात को 1 महीने बाद जब गरीब जनता ने आगे उन लोगों से पूछा कि हमारी समस्या का क्या समाधान है, तो वो फाइलें आज भी लॉकर में रखी हुई हैं। ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं है। आपको मैं आज वो कॉपी दिखाने जा रहा हूँ जो कि 13/8/2018 को स्वीकृत हुई है। ये वार्ड नंबर 32 की 8 इंची नलकूप की कॉपी है जो 4,66,422 रुपये में राजवर्धन जी को फतेहाबाद वालों को ठेका दिया गया था। आज इसको 7 महीने पूर्ण होने वाले हैं, परंतु नगर निगम द्वारा वाटर वर्क से सिर्फ एक ही जवाब मिलता है कि आपका कार्य आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। इस मैटर के बारे में नगर आयुक्त महोदय को 15 बार अवगत कराया जा चुका है, संयुक्त नगर आयुक्त को अवगत कराया जा चुका है, इवन हमारे मेयर साहब को भी 15 बार कहा जा चुका है कि मेयर साहब यहाँ पे बोरिंग नहीं हो रही, जनता परेशान है। आज माहौल ये बन चुका है कि ये 50 रुपये से लेकर 100 रुपये का रोजाना एक व्यक्ति RO का पानी खरीद के लाता है और उससे अपनी लैटरिन धोता है, अपने हाथ धोते हैं और शौच के लिए जाते हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो आदमी दिन में 200 रुपये कमाता हो, BPL कैटेगरी का हो, वो नगर निगम को टैक्स देने के बावजूद अपनी जेब से पैसा लगाए। आज नगर निगम ने एक और अधिनियम लागू कर दिया है कि आप अगर समरसेबल लगवाएंगे अपने घर के बाहर या बोरिंग करवाएंगे तो 5,000 रुपये नगर निगम को देना होगा। अरे ठीक है, आप लोग 5,000 रुपये मांगते हैं, हम आपके साथ हैं, 5,000 रुपये लीजिए, मगर इन लोगों के लिए 24 घंटे पानी की व्यवस्था तो करा के दीजिए जिसके लिए टैक्स लेते हैं आप, कुछ तो करके दीजिए। आज ये माताएं और बहनें खड़ी हुई हैं, हमारी सारी ये परेशान है, इनके बच्चों के पीने के लिए पानी नहीं है, हाथ धोने के लिए पानी नहीं है, बर्तन धोने के लिए पानी नहीं है, क्या करेंगी ये लोग? अभी आप क्या मांग रहे हैं? हम सिर्फ एक ही मांग लेके आए हैं, इन लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर चुके हैं, 100 बार कह चुके हैं, इन लोगों के लिए पानी की व्यवस्था कराई जाए, पानी की व्यवस्था कराई जाए। हैंडपंप सारे फेल हो चुके हैं, 4 इंची की समरसेबल लगवाने का 1 महीने पहले इन लोगों के पास मैं अपने पास से एस्टीमेट के लिए देके गया था, आज तक एस्टीमेट नहीं बना है। अगर नहीं और आपके क्षेत्र में पानी की व्यवस्था नहीं की जाती तो क्या करें? अगर 3 दिन के अंदर मेरे क्षेत्र में पानी की व्यवस्था नहीं की गई तो मैं ये ऐलान करता हूँ कि 3 दिन बाद मैं पार्षदी से इस्तीफा दे दूंगा।